एक्शन के लिए होता है जो पास्ट में स्टार्ट होता है तथा प्रेजेंट तक कंटिन्यू रहता है। ठीक है, इस टेंस का प्रयोग वैसे एक्शन के लिए होता है जो पास्ट में स्टार्ट होता है तथा प्रेजेंट तक कंटिन्यू होता है। ठीक है, जैसे 3 घंटे से वर्षा हो रही है ना, फॉर एग्जाम्पल, इससे ज्यादा क्लियर होगा दोस्तों, है ना। वर्षा कब से हो रही है, तो 3 घंटों से, मतलब 3 घंटे पहले स्टार्ट हुई थी और अभी भी वो काम हो रहा है ना, वर्षा होने का कार्य हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इट हैज बीन रेनिंग फॉर 3 आवर्स। ओके, अब वे लोग सुबह से खेल रहे हैं तो क्या होगा, दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। सो क्या लिख सकते हैं हम लोग, दे हैव बीन प्लेइंग, ओके क्या होगा, सिंस मॉर्निंग। ओके, बहुत आसान था दोस्तों, ठीक है, बहुत इजी, बहुत आसान था, थोड़ा सा ध्यान देने पर ये तुरंत ही आ जाता है और इसको प्रैक्टिस करना है दोस्तों। चलिए, तो ये हो गया प्रेजेंट की बात, अब हम लोग देखेंगे पास्ट। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस की बातें होंगी, ध्यान देंगे दोस्तों इसमें क्या है। चलिए, तो सिंपल पास्ट टेंस जो होगा, इसका पहले हम स्ट्रक्चर देख लें। इसका होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो बहुत आसान है, इस टेंस का प्रयोग वैसे एक्शन के लिए होता है जो पास्ट में किसी निश्चित समय में घटित हुए हैं। ठीक है, जैसे वो फुटबॉल खेले, है ना, दे प्लेड फुटबॉल हो जाएगा, है ना। जैसे ही वेंट अमेरिका यस्टरडे, वो कल अमेरिका गया था। ठीक है, दे रोट ए लेटर लास्ट नाइट लाइक दैट, है ना, इस तरह से हम लोग इसका प्रयोग करें। तो चलिए मैं इसको लिख दूं, इससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा और समझ में भी ज्यादा आएगा दोस्तों। तो जैसा इसको ध्यान से देखेंगे, इसको पढ़ेंगे, इस टेंस का प्रयोग, ध्यान से सुनिए, वैसे एक्शन के लिए होता है जो पास्ट में किसी निश्चित समय में हुआ है या घटित हुआ है, है ना, घटित हुआ है। ठीक है, घटित हुए हैं दोस्तों। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, जैसे दे प्लेड क्रिकेट, वे क्रिकेट खेले हैं। ठीक है, या वे क्रिकेट खेले। ठीक है, He went to America yesterday. वो कल अमेरिका गया था। He went to America yesterday. कल वो अमेरिका गया था। ठीक है, इस तरह से इसका प्रयोग होगा, है ना। और इसका रूल, ये पहला था रूल, इसका 2 हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों,
रूल टू देखेंगे। इसका जो रूल टू है, इसका अगला प्रयोग पास्ट में हैबिचुअल एक्शन को डिनोट करने के लिए भी होता है। ये क्या करता है, पास्ट में हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल मतलब आदत है ना, हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन को ठीक है डिनोट करने के लिए, डिनोट करने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है, या इसका प्रयोग होता है, हम कर सकते हैं इसका प्रयोग होता है, जो बहुत ही आसान है ठीक है। इसमें टाइम एक्सप्रेशन, वर्ड या एडवर्ब ऑफ ठीक है, इस तरह पे हम लोग ध्यान देंगे ठीक है, और फ्रीक्वेंसी ये सब पे होता है। जैसे हम इसका एग्जांपल देखेंगे, फॉर एग्जांपल ही ऑलवेज इनवाइटेड मी टू डिनर ठीक है, ही ऑलवेज इनवाइटेड मी टू डिनर ठीक है, वो हमेशा मुझे डिनर पे बुलाया करता था ठीक है ना। ही नेवर टोल्ड अ लाई, ही नेवर टोल्ड अ लाई ठीक है दोस्तों, इसे ज्यादा क्लियर है ना। और क्या है, और भी बताता हूं, पास्ट में जब दो एक्शन हुए हो, इसमें से एक एक्शन कंटिन्यू हो और उसी दौरान दूसरा एक्शन हो, तो कंटिन्यू एक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें इसका प्रयोग किया जाता है ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस का भी प्रयोग होता है ना। चलिए ये हो गया सिंपल पास्ट, अब इसके आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों ठीक है। अब हम देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान देंगे, ये बहुत ही आसान है। तो पास्ट कंटिन्यूअस जो होता है, इस टेंस का प्रयोग वैसे एक्शन के लिए होता है जो पास्ट में किसी निश्चित समय में कंटिन्यू था है ना, उसके लिए ये होता है ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूं, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा, इसको ध्यान देंगे। इस टेंस का प्रयोग, ध्यान देना है, टेंस का प्रयोग वैसे एक्शन के लिए, एक्शंस, एक्शंस के लिए, बहुत ही आसान है दोस्तों, केवल थोड़ा सा आप लोग ध्यान देते रहिए। जो मैं लिख रहा हूं, मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आपको ये क्लियर हो जाए, और लिखा रहेगा तो ज्यादा क्लियर होगा है ना। आप पढ़ भी लीजिएगा, समझ भी लीजिएगा, और मैं इसे समझा भी रहा हूं। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में कुछ समझ में ना आया हो जो मैं आपको बता रहा हूं, तो आप निश्चित मुझे कमेंट में जरूर लिखिए कि मैं आपका सहायता कर सकूं। चलिए दोस्तों, जो पास्ट में किसी निश्चित समय में घटित हो है ना, निश्चित, निश्चित समय में कंटिन्यू था है ना, कंटिन्यू था ठीक है। तो इस टेंस का प्रयोग वैसे एक्शन के लिए होता है जो पास्ट में किसी निश्चित समय में कंटिन्यू था ठीक है, बहुत आसान है दोस्तों। इसका एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल से ज्यादा आपको क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल, आई वाज लिसनिंग टू द रेडियो ओके ठीक है दोस्तों, जैसे आई वाज प्लेइंग क्रिकेट ठीक है, मैं क्रिकेट खेल रहा था है ना, तो ये पास्ट में हो रहा था ठीक है। ये बहुत ही आसान है, इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस को ठीक है दोस्तों, जो कि बहुत आसान है, बहुत ही इजी है ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस,
past perfect tense. Now we will see past perfect tense. तो past perfect जो tense होता है इसमें past में किए हुए कार्य के बारे में बोला जाता था, है ना, या बोला जाता है. ठीक है, देखते हैं, इसको हम लिख देते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा दोस्तों. इसमें पास्ट में किए हुए वर्क या कार्य के बारे में बोला जाता में बोला जाता बोला जाता है. ठीक है, इसके अंत में था थे थी इस तरह से लगता है ना. जैसे हम कह सकते हैं रोहन ने वजन घटाया था, है ना, तो ये क्या हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस में ये हो जाएगा सेंटेंस, है ना. बहुत आसान है, कुछ नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ये तुरंत आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, इसका मैं फॉर्म भी लिख दूं, स्ट्रक्चर भी लिख दूं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा. सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, जैसे उन्होंने क्रिकेट खेला था, एक हम लेते सेंटेंस उन्होंने क्रिकेट खेला था, तो क्या हो जाएगा इसका, दे हैड प्लेड क्रिकेट. ठीक है दोस्तों, उन्होंने क्रिकेट खेला था, है ना. इसी तरह से रिया ने गाना गाया था. ठीक है, इसी तरह से हम लेंगे कि मैंने वीडियो देखा था तो आई हैड सीन वीडियो, है ना, बहुत आसान है. ठीक है, या मैंने टीवी देखा था तो क्या होगा, आई हैड सीन टीवी. बहुत आसान है दोस्तों, बहुत इजी है. ठीक है, अब हम आगे देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बाद जो होगा वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है दोस्तों, तो इसका पहले मैं स्ट्रक्चर लिख दूं. ठीक है, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V1 प्लस ING V1 के साथ. इसके बाद सिंस या फॉर की प्लस ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों. ठीक है, इस टेंस का प्रयोग वैसे एक्शन के लिए होता है जो पास्ट में स्टार्ट होता है और उसी में कुछ समय तक के लिए कंटिन्यू रहता है और पास्ट में ही समाप्त होते जाता है. ठीक है, जैसे वह 2 घंटों से खेले जा रहा था, है ना. चलिए हम देखते हैं, पहले इसको हम लिख दें तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स. इस टेंस का प्रयोग वैसे एक्शन के लिए होता है जो पास्ट में स्टार्ट होता है ठीक है दोस्तों, है ना, तो देखते हैं होता है और कुछ समय तक के लिए कंटिन्यू रहता है. ठीक है दोस्तों, और पास्ट में स्टार्ट होता है और उसी में कुछ समय तक के लिए, बहुत आसान है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कंटिन्यू
रहता है और पास्ट में ही समाप्त होता है, और पास्ट में ही समाप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों, इसका एग्जाम्पल बहुत ही आसान है। तो इसका एग्जाम्पल देखा जाए, वह दो घंटों से खेले जा रहा था, है ना। तो क्या होगा, ही हैड बीन प्लेइंग फॉर टू आवर्स, ही हैड बीन प्लेइंग फॉर टू आवर्स। ठीक है दोस्तों, इसके कुछ एग्जाम्पल्स और ले ले हम। वह दो घंटों से खेले जा रहा था, उसी तरह से हम ले सकते हैं वह सुबह से क्रिकेट खेले जा रहा था, ठीक है, या वो क्रिकेट खेले जा रहा था, ये भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लेते हैं दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, सुबह से खेले जा रहा था तो सिंस मॉर्निंग होगा, ठीक है। ये बहुत ही आसान है दोस्तों, ठीक है। तो यहां तक मैं टेंस को समाप्त करता हूं, और मैं अगले वीडियो में टेंस का जो आगे बच गया है फ्यूचर टेंस, उसके बारे में मैं उसको लेकर आऊंगा और आपको बताऊंगा। थैंक यू दोस्तों, एंड हैव अ नाइस डे।